रजोनिवृत्ति तथा मेनोपॉज, उसके क्या लक्षण है? क्या मेनोपॉज सिर्फ औरतों में होता है, आदमी में नहीं होता, पुरुषों में नहीं होता? चलो इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति, औरतों के बारे में पहले बात करता हूँ। यूजली उम्र के 45 से 55 ये साल में मैक्सिमम औरतों को होती है। कुछ औरतों को 40 साल के बाद में शुरू होती है और 50 में पूरा मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है और कंप्लीट मेनोपॉज अचीव होता है। कुछ औरतों को 45 से लेके चालू होता है, 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा या 55 तक धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो पीरियड है इसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो कम होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन मतलब मेल सेक्स हार्मोन है वो भी कम होता है और उसके वजह से फिर काफ़ी बॉडीली चेंजेस, मानसिक चेंजेस भी होते रहते हैं। एक होता है कि घबराहट, एंग्जाइटी, फिर मूड स्विंग्स, ऊपर नीचे होना मूड, चिड़चिड़ेपना, फिर चमड़ी ड्राई हो जाना, सूखना चमड़ी का, चेहरे के ऊपर चट्टे पड़ना, पिंपल्स आना या एक्नी होना, थकान आ जाना, सेक्स करने के समय दर्द होना, योनि सूखना, ऐसे लक्षण मेनोपॉज के दिखाई देते हैं। उनको इच्छा नहीं होती सेक्स में और उनको लगता है कि चलो अभी मैं कुछ काम की नहीं रही, अभी मैं तो औरत नहीं हूँ, अभी औरतपना जो रहता है, औरतपना वो निकल गया है, मतलब क्या ख़त्म हो गया सब कुछ, अभी क्या ये उम्र रही है, ऐसे विचारों से फिर सेक्स में भी इच्छा होती नहीं है। दूसरा, पुरुषों में भी ये दिखाई देता है। पुरुषों में जो मेनोपॉज होता है उसको एंड्रोपॉज बोलते हैं और उसमें भी टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स कम हो जाती है, सेक्स हार्मोन्स की लेवल, और पुरुषों को भी अंदाजन 50 से 60 ये साल ये उम्र में उनका धीरे 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 एंड्रोपॉज होता है, मतलब धीरे धीरे सेक्स की इच्छा कम हो जाना और टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स कम हो जाना। उसमें सिर के बाल झड़ जाना, गंजापन आना, पेट बड़ा हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, नींद में तकलीफ आती है, बाल गल जाते हैं, छाती बढ़ जाती है, गायनेकोमास्टिया होता है, बड़े बूब्स हो जाते हैं, स्नायु पेशी मसल्स जो है मसल मास वो कम हो जाता है और इसके साथ साथ मानसिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स, ऊपर नीचे होना मूड, फिर इरिटेबिलिटी, फिर इरेक्शन का कमी होना, मतलब टाइटनेस नहीं आना, और फिर उसकी वजह से मैं पुरुष नहीं हूँ क्या, ऐसे विचार मन में आना, थकान आ जाना, जल्दी थक जाना और सेक्स की इच्छा कम हो जाना, ऐसे काफ़ी सारे लक्षण पुरुषों में देखते हैं, उसको एंड्रोपॉज बोलते हैं। अभी दोनों में भी टेस्टोस्टेरॉन और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन दिया तो बहुत फ़ायदा होता है और उनको ज़रा जोश, जुनून, उत्साह आ जाता है, वैसा जो नर्वसनेस, डिप्रेशन वो भी ठीक हो सकता है। मगर टेस्टोस्टेरॉन बाहर से देने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेट का कैंसर होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए ज़्यादातर नहीं लिया तो अच्छा है टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी, पर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, बहुत कम हो गई लेवल, तो डेफिनेटली बाहर से टेस्टोस्टेरॉन दे सकते हैं और उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत अच्छी है दोनों के लिए भी और दोनों का सेक्स लाइफ अच्छा हो सकता है। जब आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।